काम नफिल काम किया, दो रकात नफिल पढ़ लिए, कोई नफिल काम किया तो ऐसा है गोया उसने बगैर रमजान के अंदर उसने फर्ज को अदा किया गया। जो रमजान से पहले फर्ज की अदायगी में सवाब मिलता था, अब उसको सवाब नफिल के करने पर मिलेगा। और नफिल का फर्ज क्या होगा? फरमाया कि फर्ज का दर्जा 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा, 70 मर्रा। अच्छा एक बात सुन लो, मैं अभी इंडिया जाकर आया, परसों की बात है, हालांकि मैं कब गया था इंडिया, 6 महीने हो गए, अभी 2 दिन की बात है, परसों की बात कहते ना जो फौज के अंदर, वैसे अरबी के अंदर 70 का जो लफ्ज है ये एक मकौले के तौर पर है, ये यानी कि कहने के तौर पर है, ये फिक्स्ड नहीं है। अल्लाह ने जो फरमाया कि 70 मर्रा, ये बंदे को करीब करने के है, अरे वो चाहे तो बगैर हिसाब किताब अता करता है, इतना देता है इतना देता है, लेने वाला थक जाता है, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि वो रब है। अलस्तु बिरब्बिकुम। हाँ बात चल रही थी, मन सौम रमजान, जिसने रमजान की रोजे रखी, मन कौम रमजान, जिसने रमजान मुबारक ने खियाम किया। फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला रमजान मुबारक के अंदर तरावी के एक सजदे पर, कितने तरावी के, नौजवान सुन लो मेरे बच्चों, नौजवानों उर्दू समझ में आ रही, सुन लो, तुम्हारा एक सजदा, जवानी का एक सजदा, बैठ जाओ उसको बिठा दो, उसको जिसको बिठा दो अब इसको। अच्छा मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से अफजल है। जब एक नौजवान जवानी के जोर के अंदर दुनिया की रानाइयों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में आता है और सजदा करता है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 70 गज कब्रिस्तान के मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा देता है। जवानी, हाय हाय हाय, क्या जवानी है। तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अर्ज कर रहा था कि एक जवान है, आप जवानों में आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, फरमाया कि एक सजदा बंदा तरावीक में नमाज में करता है तो एक सजदे के करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आल आमाल में 1500 नेकियां लिख देते हैं। कितने? 1500। और यही नहीं बल्कि एक सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर करते हैं, जन्नत में एक महल तामीर करते, किसके लिए? रोजे के लिए नहीं, हज के लिए नहीं, बल्कि एक सजदे के लिए। वो क्या सजदा है? वो सजदा ये था, अगर सजदा एक कर लिया तो फरमाया कि इतना बड़ा महल तामीर होता है जिसके 60,000 दरवाजे होंगे, 60,000 याकूत के, जो याकूत के सोने चांदी के दरवाजे होंगे। और फरमाया कि जन्नत में अल्लाह ताला एक दरख्त लगाते हैं, क्या करते हैं? एक दरख्त लगाते हैं, और दरख्त का इतना बड़ा फासला होगा कि 40 साल तक, बाद विवाद में 100 साल का भी जिक्र है, 100 साल तक अगर अरबी घोड़ा दौड़ता रहे तो उस कूप के किनारे तक ना पहुंच पाए। किसके लिए मिलता है ये, बोलो किस लिए मिलता है? एक सजदा तरावी का, एक सजदा, अल्लाहु अकबर, और हम उससे महरूम हैं। हाँ मेरे भाई, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने, अगर पता चल जाए मेरी उम्मत को कि रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है, तो मेरी उम्मत ख्वाहिश करने लगे कि अल्लाह सारी जिंदगी रमजान होता। हाँ मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, और याद रखो जो रमजान की नाकदरी करते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पास उसकी कोई जगह नहीं। हाँ ये रमजान इतना अजीम महीना है। और याद रखो, अगर आपके पास कोई बीमारी है, अगर आप बीमार हैं, आपके पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और आपको अगर इटालियन डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भी आप रोजा ना रखें, तो उसके लिए शरीयत का ये हुक्म ये है कि आप किसी मुसलमान डॉक्टर को जो कि शरीयत मुहम्मदी जानता हो उससे मशवरा करें। अगर वो डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर ये कह दे हाँ आप रोजा रखने से आपकी जान को खतरा है, तब फिर आप रोजा छोड़ सकते हैं। वरना छोटी मोटी बातों पर, थोड़ा शुगर लेवल हाई हो गया, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नहीं जी हम तो कमजोर है। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो रमजान मुबारक का अगर एक रोजा छूट जाए और एक रोजे के बदले सारी जिंदगी भी अगर रोजा रखते रहे तो रमजान के एक रोजे की बराबरी नहीं हो सकती। ये रमजान अजीम महीना है। और मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था
कि पहली बात तो थी सोम और दूसरी बात थी सियाम। सोम के माने पेट का रोजा और सियाम के माने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का रोजा। अब सबसे बड़ी जो पहचान होती है, अल्लाह तबारक ताला ने आपके और मेरे लिए ऐलान फरमा दिया हदीस कुदसी के अंदर। हदीस कुदसी कहते हैं फरमाने इलाही बज़ुबाने मुस्तफा, फरमाने इलाही बज़ुबाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो होता है उसको हदीस कुदसी कहते हैं। जो अल्लाह का अहकाम बयान किए गए वो कुरान है, लेकिन जो अल्लाह के नबी बयान करते हैं अल्लाह के अहकाम को हदीस कुदसी कहते हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बी। इसमें दो अल्फाज है, मुस्लिम शरीफ में रिवायत किया गया है कि वह अना अज्जी भी है और तिब्रानी में रिवायत किया गया है कि वह अना उज्ज़ा भी। वह अना अज्जी भी के माने क्या है कि रमजान आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आपने एक नमाज पढ़ी घर में एक नमाज का सवाब, वही नमाज मस्जिद में पढ़ ली 27 नमाजों का सवाब, वही नमाज अगर आपने पढ़ी बैतुल मक़दस के अंदर 25,000 नमाज का सवाब, वही नमाज अगर आपने अदा की मदीना पाक में 50,000 नमाजों का सवाब, और वही नमाज अदा की आपने काबतुल्लाह के अंदर तो वही नमाज एक ही है लेकिन उसका सवाब मिलेगा 1,00,000 नमाजों का सवाब। तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि सवाब की बारी आ रही थी, बात चल रही थी कि रोजे के बारे के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बी, के बंदे तू नमाज पढ़ता है मैंने नमाज का सवाब लिख दिया है, तू हज करता है मैंने हज का सवाब लिख दिया है, तू जकात देता है मैंने जकात का सवाब लिख दिया है, तू खैरात करता है मैंने खैरात का सवाब लिख दिया है। ऐ बंदे तू रोजा मेरे लिए रखता है और रोजे का सवाब यह है कि वाना उज्जी भी, मैं खुद रोजे का सवाब जजा बन जाता हूँ, रोजे की जजा खुद खुदा बन जाता है। देता कितना, इतना देता, इतना देता है कि लेने वाला थक जाता है देने वाला नहीं थकता। एक छोटा वाकया याद आया, एक बादशाह था किसी इलाके के अंदर, और इससे पहले भी वाकया में अर्ज किया, रोजा रखने के बाद लिमिटेड सवाब नहीं मिल रहा बल्कि दुनिया बनाने वाला खालिस कायनात कह रहा है कि तुम रोजा रखो और रोजा रखने के बाद मैं तुम्हारा हो जाता हूं तुम मेरे हो जाते हो, जितना चाहे मुझसे लेते रहो मैं देते रहूंगा, लेते लेते थक जाओगे मैं देते देते नहीं थकता। हदीस कुदसी है ना, मशहूर कुदसी हदीस कुदसी है कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैय बिन्नवाफ़िली हत्ता अहबबतुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिह। वैसे मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अब यहाँ पर अल्लाह ताला खुद उस रोजे की जज़ा बन रहे हैं, कितना दोगे जितना लोगे उतना मिलता रहेगा। एक बादशाह था, उसकी सालगिरह का दिन आया और बादशाह ने अपने सारे महल के अंदर हीरे जवाहरात को बिखेर दिया, हीरे जवाहरात सोने चांदी को बिखेर दिया, और बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे सारे दरबार के अंदर जितने दरबारी हैं वो आज जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो उसकी हो जाएगी, जिस चीज को अपनाएंगे वो उसकी हो जाएगी। तो बादशाह के दरबार के अंदर, पहले जमाने में आपने पढ़ेंगे किस्सों वाकयात के अंदर, पहले ज़माने के अंदर पंखा झुलने वालियाँ और वाले हुआ करते थे, फैन तो नहीं था, एयर कंडीशन तो नहीं था, तो वो बादशाह के दरबार में एक औरत भी हुआ करती थी जो बादशाह का पंखा झूलती थी। तो बादशाह के ऐलान का होना था, जैसा कि मैंने अभी कहा कि तरावी के एक सजदे पर कितने नेकियाँ मिलने वाली हैं, 1,500, और क्या घर बनने वाला है जिसके महल के 60,000 दरवाजे होंगे और इतना बड़ा दर्द लगेगा 100 साल तक घोड़ा दौड़ते रहे तब भी इसकी इंतहा तक ना पहुंच पाएगा एक सजदे के ऊपर। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, तो बात चल रही थी अल्लाह ताला के देने के ऊपर। तो अब यहाँ पर जब बादशाह ने ऐलान किया, अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि आतिक साहब या डॉक्टर उस्मान गनी साहब ने ऐलान किया है कि आप यहाँ जो कोई भी आकर एक सजदा करेगा या मगरिब की नमाज जमात से पढ़ेगा उसको 500 यूरो मिलेंगे, बताओ कौन कौन आएंगे? पहले तो मैं आऊँगा, 500 यूरो मिलेंगे। अरे 100 यूरो काफी है भाई एक नमाज के लिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है। और याद रखो अल्लाह की बात सच्ची बात है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं कहता हूं कि जो कोई बंदा
ایک سجدہ کرتا ہے اس کے عوض میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ سمندر کے خطوں سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، تم ایک مرتبہ میرے پاس آؤ، مجھے پکارو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں، کیونکہ میں رب ہوں، الست بربکم۔ ہاں بات چل رہی تھی، بادشاہ کا اعلان کرنا تھا، محل میں ہیرے جواہرات پھیلے ہوئے تھے، دیکھتے سارا ختم۔ بادشاہ خوش ہو گیا، خوش ہونے کے بعد جب جانے کے لیے اٹھا تو دیکھا پیچھے کہ اس کی جو عورت تھی، جو کہ کام کرنے والی خادمہ تھی، لونڈی تھی، جو پردہ جھول رہی تھی، وہ پردہ ہی جھولی جا رہی ہے۔ پلٹ کر پوچھا کہ تو نے کچھ نہیں لیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں خوش تھا، میں نے اعلان سب کے لیے کیا۔ اب ذرا سننا، اللہ نے کہا کہ وانا اجزا بھی، جو روزہ رکھے گا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو وہ جو پنگا جھولنے والی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اتنے سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہوں، میں آج تک کچھ نہیں مانگا، میں ایک درخواست کرتی ہوں، کا وہ اعلان کا دوبارہ کر دو گے آپ؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا دوبارہ کروں، کچھ بچا ہی نہیں، حاجی صاحب کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے کہا بس آپ اعلان کر دیں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے اعلان کیا، آج میں بڑا خوش ہوں، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب توجہ سے رکھے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ جو پنکھا چھلنے والی تھی، اس نے ہاتھ سے پنکھا رکھا، اپنا ہاتھ لیا اور بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ہیرے جواہرات لینے چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات کا مالک چاہیے۔ یہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، اتنا لینا ہے لو، میں دیتا جاؤں گا اور تم لیتے جاؤ گے۔ آگے چلتے ہیں، ہاں بھائی چونکہ وقت بہت کم ہے، اور ہم حسب روایت، حسب خواہش اور حسب عادت، الحمدللہ ہم دیر سے آئے ہیں، لیکن بہت اہم پیغام تھا۔ خیر آپ کا آنا مبارک ہو، میرا پیغام ابھی تو میرے خطاب کا 30% بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا وقت انتہا کو پہنچا، خیر اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ یاد رکھو رمضان کے جو روزے ہیں، اس روزے کے 6 آداب ہیں، شارٹ اینڈ سویٹ، روزے کے 6 آداب ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ صوم اور سیام میں ڈفرنس بتایا تھا میں نے آپ کو، تو سیام کے معنی کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہے کہ روزے کے اندر نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، چھوٹی حدیث شریف سن لو، بڑے مزے کی حدیث شریف ہے، 2 منٹ کے لیے، بالکل بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ جا رہے ہیں راستے سے جا رہے ہیں، مد مقابل سے اگر مرد جا رہا ہے تو عورت آ رہی ہے، عورت جا رہی ہے تو مرد آ رہا ہے، جو نامحرم ہے وہ آ رہا یا آ رہی ہے، آپ کی نظر پڑی اس کے اوپر، نظر ایسی نہیں جو انتہا تک پہنچ جائے، ہماری نظر کا دھوکہ ہے یہ، نظر تھک جاتی لیکن نظر ہٹتی نہیں وہاں سے، کیونکہ ایک نظر معاف ہے نا ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ نظر پڑ جائے اور نظر کو جھکا لے یہاں تک کہ وہ نامحرم آپ کے سامنے سے ہو کے گزر جائے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، سیاست میں روایت کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، ایک خندق کا راستہ 500 برس کا ہے، ایک مرتبہ نامحرم کو دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے، یہ نگاہ ہے، نگاہ ہے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اس چپے نے کہا، ہاں میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، دوسرا فرمایا کہ زبان کی حفاظت، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ مومن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، بندہ مومن کسی طاقت کے زیر اثر ہو کر زنا کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن بندہ مومن ہو تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تیسرا کان کی حفاظت، باقی اعضاء کی حفاظت، اور پانچواں ہے کہ روزے کے لیے افطار اور سحر میں کم کھائیں، اس لیے کم کھاؤ گے تو پھر قیام، من صام رمضان، پھر فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے روزہ رکھا اور روزے میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، وقت تمام ہوا،
اور مدح باقی ہے. آخری بات ہے, اللہ تعالیٰ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے. ایک عادل بادشاہ, ایک عادل بادشاہ.